क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में आपसी से पढ़ रहे हैं, और जैसा कि आपसी बच्चों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा मेरे द्वारा नोटिफिकेशन जो बताया गया था, जिसमें बताया था कि आपसी बच्चों का जो बेसिकली जनरिक पेपर है या फिर कहा जाए बीविंग यूनिवर्सिटी में बोला गया था कि 31 मई तक एक मार्च से लेकर 31 मई तक जो पेपर होने वाला था, मतलब जितने सारे पेपर में पॉसिबल थे वो शायद कैंसिल हो सकते थे। लेकिन अभी आज ही बेसिकली अखबार नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आपसी बच्चों का जो पेपर होगा वो मार्च में कंडक्ट होगा। लेकिन कब तक कंडक्ट होगा, क्या इससे FYP जो बच्चे सेमेस्टर 1 23 सेशन पढ़ रहे उनका पेपर होगा, जो बच्चे अभी वर्तमान में फॉर्म फिलअप किए चाहे वो सेमेस्टर 1 22 का है, या फिर आप सही बच्चे का कहा जाए कोई बच्चा सेमेस्टर 3 एक्सटेंड का फॉर्म फिलअप किया, क्या ये सब के सब पेपर बेसिकली कब कंडक्ट हो गए, ये मैं आपको आज की वीडियो में यहाँ पर सोल्यूशन बेसिकली बताने के आया हुआ। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार का अपडेट आएगा वहां का सारा का सारा शेयर किया जाएगा। देखिए सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं जनरिक पेपर का। आपको मालूम हो 1 तारीख से आपका जनरिक पेपर था, लेकिन बच्चों कैंसिल हो गया, जिसमें से क्या हुआ लॉस कैसे हुआ पता है, बच्चों को लॉस हुआ। यूनिवर्सिटी का भाई क्या है, कुछ नहीं किया यूनिवर्सिटी का, कुछ नहीं जाता बच्चे, बहुत सारे बच्चे या कैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो होते हैं बहुत सारे लोग बाहर के काम करने, कुछ गर्ल्स का मैरिज भी हुआ है ऑब्वियसली बात है, वो लोग भी कभी ना कभी इनका BSc वेट करना होगा, वो लोग आया होगा सबके सब। लेकिन क्या हुआ पेपर कैंसिल हो गया। अब वो 2 दिन पर नोटिफिकेशन आता है कि आप पेपर कैंसिल होगा, और आज पेपर आता है कि इसी महीने परीक्षा लिया जाएगा। आप ही बताइए, आपसे भी छात्रों के जनरिक पेपर देने वाले थे, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं द्वंद कैसी दिया गया कि भाई आप काम करने जाओगे या फिर पेपर देने बैठोगे। तो देखिए जिनको भी काम करना है, जिनको बीएड नहीं करना है, भाई पेपर मत दो, कुछ नहीं होने वाला, आपका डिग्री कैंसिल नहीं होगा, इसके सबसे बड़ा सबूत मैं हूँ, मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया। आप ओपनली बोलते तो भाई आप बोले भाई आपके क्या प्रूफ है, भाई जहां भी सेंटर होगा वहां मेरे दोस्त के साथ मैं पहुंचूंगा ना, अगर पेपर देना है तो मैं भी आ जाऊंगा। बोले भाई आपको कैसे पता छापूंगा, आपको कैसे पता चलेगा आप पेपर दें, भाई इतना तो मिल गया बच्चों को जान पहचान कि कोई ना कोई बच्चा पहचान ही जाएगा अपना, ठीक है। तो चिंता मत करिए, पेपर देने मैं नहीं जा रहा हूँ और ना ही मुझे देने का शौक है। तो आप जो बच्चा जनरिक पेपर नहीं देना चाहते भाई मत दो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ जिसको बीएड करना है भाई भविष्य में वो देना चाहे भैया दे दो, मैं मना नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपसे जो जनरिक पेपर जो रहेगा वो इसी महीने अब कंडक्ट होगा, ये आज के अखबार के नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया, ठीक है। अब इससे देखिए जो बच्चे FYP सेमेस्टर 1, ठीक है, अब हमारे पास जो भी बच्चे छात्र छात्रा है FYP सेमेस्टर 1 22-26 से पढ़ रहे हैं, देखिए इनके लिए बड़ा कह सकते हैं विकट परिस्थिति है, क्योंकि आप सभी छात्र छात्रा मालूम होगा कि 23-27 वाला सेशन सिलेबस चल रहा है। एक बच्चे ने भी मैसेज किया सर हम कॉलेज गए थे पूछने, तो बोलते हैं कॉलेज वाले बोलते हैं कि हमारा जो मेजर पेपर है वो 23-27 वाला चल रहा है। आप बताइए आपका सारा पेपर 22-26 चलेगा, आप मेजर पेपर जो बच्चा फेल हुआ है वो 22-26 नहीं छोड़ के 23-27 कैसे पढ़ेगा, तो ये बच्चा के बहुत द्वंद्व लग सी। अब कॉलेज वाला बोल रहा है कुछ, यूनिवर्सिटी तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आप लोग इसमें पढ़ जा रहे हैं। अब मैं भी देखिए क्या बोलूँ, अगर मैं 22-26 का बोलता हूँ पता चला क्वेश्चन 23-27 देगा, फिर आप लोग भले मुझे दो भाई, आप खुद सोचिए ना। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है मेरा नजर जो कहता है भाई आप 22-26 फॉलो करो, क्योंकि आपका सेशन सिलेबस है, क्यों आप देखिए आप लोग 22-26 है ना, आप खुद बताइए अभी वर्तमान सेमेस्टर 3 चल रहा है, आपका सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 3 है, ये सब पेपर कब क्लियर होगा, क्योंकि 23-27 सेशन है यूनिवर्सिटी अगर यामेशन उनका सिलेबस अलग है, आप क्या करेगा यूनिवर्सिटी। मेरे हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा प्रेडिक्शन लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ पता क्या होगा, आप सही बच्चे जो 22-26 के हैं, अच्छा मैं इस बात को कभी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, फिलहाल आप सही बच्चे छोड़िए, इस बात को मैं डिटेल में शेयर करूंगा आपको कि क्या करना है। आप लोग फिलहाल जानिए आपका जो पेपर होगा वो इस मंथ ही आपका पेपर होगा इस मंथ में, क्योंकि आप मालूम होगा मई में देखिए कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव से पहले सारा का सारा पेपर कंडक्ट होगा। अभी जो बच्चे सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 5 जो भी फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन आया था ना जो भी एक्सटेंड का सारा पेपर मार्च में कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो कभी भी नोटिफिकेशन आएगा कोई ठीक नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, पर 1 घंटा बाद आपको नोटिफिकेशन देखने मिलेगा, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिएगा, सारा का सारा सूचना वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट्स था जो मैं आपसे बच्चों को बता दिया। बाकी आपसे बच्चों जो जेनिक पेपर देने वाले उनका न्यू एडमिट कार्ड जारी हो याद रखिएगा, पुराना वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो पे वीडियो कैसा लगे बताइएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।